क्या हमारे को समाज में क्या नीचा दिखाओगे? अरे पांच छह प्रकार की मिठाई लाओ, ब्राह्मणों का भोजन है, ब्राह्मणों मुख मासी, ब्राह्मण के मुख से ही तो भगवान भोजन करते हैं, मैंने कथा में सुना है। तो ठीक है, पर दक्षिणा में मना मत करना, मैं सबको एक एक रुपया दे के टरकाऊंगा कि एक में क्या होगा। अरे इतनी सेवा करी और एक रुपया पूरा पुण्य ही खत्म हो जाएगा, देना है तो 11 रुपया दो। तो इस प्रकार वो उल्टा सीधा करके अपने पत्नी को मना लिया और ब्राह्मण के द्वारा उनके घर में श्राद्ध हुआ। परंतु कभी कभी 100 बात झूठ बोलते ही और एक सच निकल जाती है। उसके मुख से निकल गया श्राद्ध के विसर्जन के बाद चलो इसे गंगा में सराएं, तो वो जाके बोली कि गंगा में क्यों कहे, यही नाली में सरा दो ना और ले जाके नाली में जय श्री राम। तो कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो एक बार की बात है कि एकादशी का समय आया और सोमवती अमावस के स्नान के एकादशी के समय उसने निर्णय किया कि अब सोमवती आ रही है तो हम चलो आज नर्मदा जी में स्नान करने पहुंचे। तो उसने कहा कि यह तो उल्टा ही सोचती है, तो उससे कह दिया कि इस बार सोमवती अमावस आ रही है, परंतु मैं कह देता हूं घर ही में ही गंगा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिस यश स्मरण चा नामुक्ता तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम व्याति सद्दो बंदे चमचितम। और विष्णु चरणोदकम पित्वा, क्यों विष्णु के चरण से ही गंगा है, तो हम शालिग्राम को स्नान करके जो जल निकलेगा उसी में डुबकी लगा लेंगे। अरे वहां जाकर कहां डूब गए तो कैसे नहीं जाएंगे। साल में एक बार तो त्योहार आता है सोमवती अमावस, सारे लोग जाते हो और तुम कहते हो कि यही नरक में पड़े रहो, जरूर जाएंगे। और पूरे मोहल्ले वालों के साथ बैलगाड़ी में बैठे पति पत्नी चले जा रहे हैं नर्मदा की ओर, और पति उल्टी सीधी बात कर करके उसको अपने पक्ष में रहा कि अभी चंडी अगर सवार हो गई तो पूरी एक तरफ बैलगाड़ी और जे अकेली, तो उल्टा कह के कि चलो अगर होटल में आती तो कहती आज समोसा खाने की इच्छा, कहती अरे काय खाते बैठे रहो अभी स्नान करेंगे। तो उल्टी सीधी बात करके जब वो नर्मदा जी किनारे पहुंची तो बाढ़ का समय था, तो पति ने उस समय भूल गया कि मैं उल्टी सीधी बात ना करूं, तो उस समय उसके मुख से बह निकल गया कि अरे किनारे मत जाना बाढ़ का पानी है। तो वह जबरदस्ती किनारे चले गई और पानी में बहने लगी, और जैसे ही बहने लगी तो पति ने कहा अरे चंडी वो भैंस जा रही है उसकी पूंछ पकड़ ले। तो पत्नी ने पहले से तो भैंस की पूंछ पकड़ी थी, तो पति ने कहा कि अच्छे कसर कस के पकड़ना, और उसने पूंछ छोड़ दी और बह गई और हो गया राम नाम सत। तो ऐसे ही धुंधली थी जो ऐसे ही आज के युग में कई है कि हम कहते कुछ है और वह करती कुछ है। तो भगवान को सांसारिक सुखों की अपेक्षा हमें भगवान के चरणों में ध्यान रखना चाहिए। और इस प्रकार आत्मदेव ने कहा आज कि जैसे ही उसे पता चला कि मेरी संतान नहीं है तो उसे बड़ा ही दुख हुआ, और चौथे पन में पहुंच गया तो आज वह जंगल में अपने शरीर को त्यागने के लिए जा रहा है। तो उसी समय मैंने कहा था जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए तब इतना समझ लेना कि हरि से मिलन होगा। और जैसे ही वह आर्त भाव से दुखी होकर गया, हम रोज मंदिर जाते हैं पर भगवान की कृपा नहीं होती, परंतु जिस दिन हम पर दुख उत्पन्न होता है और हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, किसी न किसी रूप में कोई आकर हमारी मदद कर देता है। आज आत्मदेव ने कथा में सुना कि पुत्र हीनम गतिर नास्तो, जिसके संतान नहीं होती, उसके पिंड दान नहीं होते, उसकी गति नहीं होती। तो आज उसने सोचा कि उस गति से अच्छा तो मैं शरीर को ही त्याग दूं, एक तरफ कर्कशा पत्नी और दूसरी तरफ मेरा निसंतान होना, अरे मेरा जीवन ही कलंक है। और आज तुंगभद्रा नदी में के तट पर वह अपने शरीर को त्यागने जाता है, और उसी समय भगवान की कृपा से महात्मा के दर्शन होते हैं। तो महात्मा ने पूछा कि पुत्र तू रो क्यों रहा है, तो उसने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है और संतान की हीन की गति नहीं होती, इसी आज से आज मैं अपने शरीर को त्यागता हूँ। तो महात्मा ने समझाया कि अरे इस शरीर को त्यागने के बाद क्या तू सुखी रहेगा, भगवान ने तुझे जितने दिन की उम्र दिया है अगर तू उसे त्यागेगा तो इससे भी बुरी नर्क की योनि भोगेगा, क्योंकि जितने दिन की तेरी आयु है उतने दिन तक तू यहीं भटकेगा, तुझे ना भोजन ग्रहण होगा। अतः आत्महत्या करने वाले को कभी मुक्ति नहीं मिलती, अतः जो कष्ट है उसे परमेश्वर का आशीर्वाद समझ के सहन करो, जब सुख आया तो हंसकर सहन किया तो दुख भी सहन करने की क्षमता रखो। और इस प्रकार आत्मदेव ने कहा कि आप भले ज्ञान की बात करते हो, आपको क्या मालूम अगर आपके साथ ऐसा होता तो, मेरी संतान नहीं है, आज मैं जरूर इस शरीर को त्यागूंगा, या तो मुझे संतान प्रदान करने का आशीर्वाद दो या फिर मुझे अपनी आत्महत्या करने के लिए जाने दो।
तो महात्मा ने उसके मस्तक में देखा और कहा कि तेरी तो एक जन्म क्या सात जन्म में भी संतान का योग नहीं है, अतः तू भगवान का ध्यान कर, तेरी संतान वह कन्हैया है उसका ध्यान कर। और परंतु उसके बातों में कुछ समझ में नहीं आया। तब महात्मा ने दुखी होकर कहा कि यह फल मैं तुझे देता हूँ, इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। और वह फल लेकर अपनी पत्नी के पास है, तो महात्मा ने कहा कि पुत्र होने से भला तू क्या सुखी होगा? दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भगवान ऐसे पुत्र से तो अच्छा मुझे नरक में ही पहुंचा देता या दुनिया से उठा लेता। तो जिनके पुत्र हैं वह भी दुखी हैं और जिनके पुत्र नहीं है वह भी दुखी हैं, तो फिर तुझे क्या चाहिए? तो वह कहता है कि मुझे तो संतान ही चाहिए। तो ईश्वर जैसा रखे उसी स्थिति में रखो, क्योंकि पुत्र तो दुख का रूप है। पुत्र के रूप में हम दुख को ही प्राप्त करते हैं, हमारे जीवन में दुख जब प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे भगवान हमें रखे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए। तो इस प्रकार जब उसने नहीं माना तो उन्होंने एक वृत्तांत बतलाया कि महाराष्ट्र में तीन संत उत्पन्न हुए, एक का नाम था एकनाथ, एक का नाम था, तो एक बार एक संत तुकाराम और एक का नाम है नरसिंह मेहता। तो ये तीनों संत की चर्चा बताते हुए कहते हैं कि एक बार एक नाथ महाराज जी भगवान विट्ठल के मंदिर में गए तो उनके साथ उनकी पत्नी भी गई। तो उनकी पत्नी इतनी धर्मपत्नी थी कि अपने पति के अनुसार धर्म कर्म करने वाली बड़ी सुयोग्य और बड़ी ही पतिव्रता थी। तो एक नाथ जी भगवान से कहते हैं कि हे परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे इतनी आदर्श पत्नी दिया कि जो मेरे अनुसार चलती है, मुझे धर्म की ओर प्रेरित करती है। और थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम आते हैं। तो तुकाराम की जो पत्नी रहती है बड़ी ही झगड़ालू करकसा दिन रात लड़ाई करने वाली। तो तुकाराम भी देखिए, इस कथा के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि चाहे किसी विधि में भी रहिए, हमेशा प्रसन्न रहिए। एक की पत्नी बड़ी आदर्श थी तो उसने भगवान का धन्यवाद दिया कि ऐसी पत्नी आपने मुझे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जैसे अनुसुईया माता को आपने अत्रि जी को दिया और आपकी कृपा हुई, ऐसे ही मेरी पत्नी भी मुझे धर्म के मार्ग में ले जाती है, तो मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। उसी समय उस मंदिर में एक नाथ जी महाराज के बाद संत तुकाराम आए और उन्होंने उनकी पत्नी बड़ी ही झगड़ालू और लड़ाकू थी। तो उस समय भी वह भगवान का धन्यवाद देते हैं कि हे गोविंद, आपने मुझे बड़ी कृपा करी जो ऐसी लड़ाकू पत्नी मुझे दे दी। अरे अगर यह न लड़ती तो मेरा मन तुम में न लगता, मैं इसी के पीछे भागता। तो धन्य है प्रभु ऐसी लड़ाकू पत्नी हर किसी को देना, जिसमें लोग संसार गृहस्थी से दूर रह के तेरे में भक्ति पाए। तो एक की पत्नी आदर्श है तो भी वह भगवान का धन्यवाद देता है, और दूसरे की पत्नी झगड़ालू है, और इतने में ही तीसरे की पत्नी विट्ठल भगवान आए अपने, और उनकी पत्नी पहले से ही स्वर्गवासी हो गई थी। तो वह भी भगवान का धन्यवाद देते हैं कि हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद जो आपने मेरी पत्नी को दुनिया से उठा लिया। और तब दोनों ने पूछा कि आपके धन्यवाद देने का कारण क्या है? तुम्हारी तो पत्नी मर गई है और तुम कहते हो कि भगवान आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी को उठा लिया। तो विट्ठल जी कहते हैं, भला भयो भागी जंजाल, सुख से भजू मैं श्री गोपाल। भला भयो भागी जंजाल, सुख से भजू मैं श्री गोपाल नंद गोपाल। तो तीसरे कहते हैं कि भगवान, भला हुआ भागी जंजाल की, जीवन की जंजाल ही खत्म हो गई, अब मैं सुख से तो तेरा नाम जप सकूंगा। तो देखो संत ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद देते हैं। तो एक की पत्नी अनुकूला है और एक की पत्नी प्रतिकूला है, और तीसरे की संसार छोड़कर चले गई है, फिर भी हर परिस्थिति में महात्मा संतुष्ट होते हैं। अरे सच्चा कृष्ण भक्त वही है जिसमें परिस्थितियों से लड़ना आ जाए। और इस प्रकार आत्मदेव ने उन महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, मुझे तुम्हारी कथा समझ में नहीं आती, मुझे समय पुत्र चाहिए। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें फल देता हूँ, अगर तुम्हारे भाग्य में संतान होगी तो मिल जाएगी और नहीं होगी तो।
केवल सत्संग से ही मनुष्य जीवन और मृत्यु के जाल से छूट सकता है, ऐसा महात्मा ने बतलाया। किसी का पुत्र किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। गीता में कहा गया है, उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्ममानम् पसादयेत्, अर्थात हमारा शरीर ही हमारा उद्धारक है, हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही हमें उद्धार की ओर पहुंचा सकते हैं। दुनिया में कोई पुत्र में इतनी ताकत नहीं कि वह तुम्हें उद्धार दिला सके, और ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। परंतु इतना समझाने पर भी ब्राह्मण को जब समझ में नहीं आया और वह आत्महत्या के लिए गया, तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान रहता है, बाहर से कठोर जैसे नारियल रहता और अंदर से मुलायम, ऐसे ही संत को दया आई और उन्होंने एक फल को दिया और बोला कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और आत्मदेव से कहा कि इस फल को खाकर वह गर्भवती हो जाएगी और तुझे संतान की प्राप्ति होगी है। तो बड़े प्रसन्न होकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि इसे खा ले तो तेरे यहाँ भी भगवान कृपा से बाल गोपाल आएंगे। तो उसने सोचा कि भला इसको फल को खाने से अगर मैं खाऊंगी तो डिलीवरी होगी, और कहीं डॉक्टरनी बोल दी कि 24 टांके का ऑपरेशन होगा तो इतनी दर्द कौन सहेगा, और मान लो चलो नॉर्मल हो भी गई तो भी तो तकलीफ होती है, और चलो वो भी ठीक पर मेरी शरीर की काया भी तो चली जाएगी, अरे अभी संतान उत्पन्न करके क्या करते हैं, अरे फालतू की चीज है। जब बच्चा होगा और बिस्तर में रात को मल मूत्र आदि करेगा, दुर्गंध होगा और रात को कुआं कुआं करेगा, तो फिर कौन उसे सोचाएगा, अरे मुझे ये झंझट में नहीं चलना, मैं तो अपने पति से छुपकर इस। तो उसी समय उसकी बहन थी जो वहीं पर अपने जीजा के यहाँ आकर रह रही थी, तो अपनी दुख दर्द को बताया कि मुझे संतान उत्पन्न नहीं करना परंतु मेरे पति चाहते हैं, अब मैं इस फल को क्या करूं। तो गुस्से में आकर उसने उस फल को एक गऊ को खिला दिया, और गऊ को खिलाने से वह गऊ गर्भवती हो गई, और उसकी बहन ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरा अभी मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूँ, और मैं जब 9 महीने बाद गुप्त रूप से तुम मेरे यहाँ आ जाना और हमें संतान को जन्म देकर इस बालक को तुम्हें दे दूंगी और तुम बतला देना, तब तक तुम अपने पेट को कुछ भी दिखाकर दर्शाओ कि मैं गर्भवती हूँ, और ऐसा प्रलोभन उसने दिया। उस बहन की इच्छा ये थी कि आगे इस मूर्ख की संतान नहीं होगी तो मेरी जो संतान है वही इस संपत्ति की मालिक होगी। तो उसने सोचा कि मेरे यहाँ गरीबी से तो अच्छा इसी के यहाँ पैदा हो, बाद के तो जब ये मरेंगे वो मेरे पास आ जाएगा। तो ऐसा कहकर उसने अपने ऐसी संधि कर ली और समय बीतता गया। तो धुंधली को पुत्र की इच्छा तो है परंतु बिगर तकलीफ के, और यह मनुष्य का स्वभाव भी है कि उसे सुख की इच्छा होती है परंतु बस सोचता है कि भगवान हमें ऐसे ही दे दें बिगर तपस्या के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता फिर भी पुण्य के फल की इच्छा रखता है, बस सोचता है कि मैं जीवन में कभी पुण्य ना करूं, दान ना करूं, परंतु भगवान मुझे अथाह संपत्ति दे, और बिना किसी प्रयत्न के बिना किसी कष्ट के ही वह सब कुछ पाना चाहता है। और छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने यह फल जो गाय को दे दिया तो गाय गर्भवती हुई, और जब उसका पुत्री का बहन का बच्चा हुआ तो उसे इसे दे दिया गया, और पुत्र का नामकरण आय का समय आया। तो आत्मदेव ने कहा कि इसका नामकरण किया जाए, तो नामकरण का एक संस्कार होता था, तो बोले कि इसका क्या नाम रखा जाए, तो आत्मदेव ने कहा कि पिता के एक नाम ही सभी को मिलता है तो मेरे नाम से इसका नाम भी आत्मा राम रख देते हैं। तो धुंधली ने कहा कि भला तुम्हारे नाम से क्या, अरे बुढ़ापे में तो संतान पैदा करे और तुम्हारा नाम अगर मैं इसको रख दूंगी तो ये भी ऐसा ही होगी, अरे पुत्र तो माँ से पैदा हुआ है, मैंने 9 महीने इसे कोख में रखा, इसका नाम माँ से होना चाहिए। तो धुंधली से उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। तो यथा नाम तथा गुणा, तो माता के अनुसार उस पुत्र का भी गुण रहा। और दूसरी ओर जिस गाय को उसने यह फल खिलाया तो गाय सतोगुण होने के कारण से जो उसका पुत्र हुआ उसमें भी गौ के समान गुण थे, और उसमें उसका नाम रखा गया गोकर्ण, लंबे लंबे गाय जैसे कान वाले। तो धुंधकारी अति दुष्टो गोकर्णो अत्यंत विदु, बड़ा ही दुष्ट हुआ धुंधकारी और गोकर्ण जो था वह बड़ा ही विद्वान हुआ। तो आज ग्रामीणों में यह कहावत होती है कि जाके जैसो घर द्वार ताको वैसो फरका, और जाके जैसे बाप महतारी बाके वैसे लड़का, कि जैसे माँ बाप होते हैं तो उसके लड़के भी वैसे होते हैं, और घर द्वार देख के ही दरवाजे की नजर लग जाती है कि कैसा होगा। तो गाय जो होती है वह सत्वगुण का प्रतीत होती है, इसलिए सत्वगुण के कारण से सात्विक चीजें खाती है, पुत्र भी सात्विक हुआ। और गोकर्ण बड़ा ही विद्वान और धुंधकारी बड़ा ही पापी, बहजुआ खेलता, चोरी करता,
सट्टा लगाता, वैश्याओं के पास जाता और इस प्रकार उसने अपने घर का सारा धन, पिता अगर मना करते, ऐसे अधिकतर जगह देखा जाता है कि अच्छे कार्यों में जब पिता या कोई बुजुर्ग मना करते हैं तो माँ उसका पक्ष ले लेती है कि अरे छोड़ो, बचपन में क्या इतना भी शौक नहीं करेगा। तो माता की इस राय के कारण से वह बड़ा ही अत्याचारी हो गया और आज वह बर्तन कपड़े सभी को चोरी कर करके बेचने लगा। और जब धन खत्म हो गया और धन खत्म होने के बाद एक दिन उसके पिता और माता को मारने पीटने लगा तो उसका पिता दुखी होकर अपने बड़े पुत्र गोकर्ण के पास जाकर बोलते हैं कि हे पुत्र, मेरा छोटा पुत्र, तेरा भाई बड़ा ही अत्याचारी है, अरे अब तो वह हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। और गोकर्ण बोलता है कि पिताजी, जगत में राजा प्रजा गरीब अमीर सभी किसी न किसी दुख से दुखी है, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धनविन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम का दास। तो अतः आप भगवान की चौथेपन की भक्ति, चौथे पन में ही आप भक्ति के लिए भगवान की शरण में जाओ, अब इस संसारिक माया को छोड़ दो नहीं तो किसी दिन वह तुम्हारा गला दबाकर मार डालेगा। तो पुत्र की बात को उचित जानकर आज उसके पिता तीर्थ यात्रा में चले गए हैं और कुछ दिन वहां पर भगवान का ध्यान करके उसने अपने शरीर को त्याग दिया। अब घर में माँ अकेले बची, तो जब धन खत्म हो गया तो वह माँ को ही मारने पीटने लगा। तो माँ से बोला कि मेरे लिए धन लाओ। माँ ने कहा कि बेटा, पूरा धन ही खत्म हो गया। तो बोला कि मैं तेरे प्राण ले लूंगा, तुझे अभी पटक पटक कर मार डालूंगा, मुझे धन बता, तू मुझसे छुपाती है, अरे तूने कहीं धन को गड़ा कर रखा है। तो माँ ने सोचा कि यह तो सही में ही मार डालेगा, तो किसी प्रकार प्राण बचाने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि कल सुबह मैं तुझे बता दूंगी, अभी तो जान बचे, और ऐसा कहकर उसने उस समय को टाल दिया। परंतु बताती कहां से, धन होता तब ना। परंतु सुबह की चिंता में वह बूढ़ी ने आज अपने कर्मों पर प्रायश्चित किया और दुखी मन से कि कल मुझे पुत्र मारेगा, और घबराहट में आकर कुआं में कूद कर मर गई। और इस प्रकार माँ भी चल बसी। अब वह अकेला हो गया। और जब माता पिता ही सबसे बड़ा छत्र होते हैं, जब माता पिता नहीं रहे और धुंधकारी यहाँ वहाँ चोरियां करने लगा, राजा के महल से धन चोरी करके वह लाता और वैश्याओं को देता। और इस प्रकार जब गोकर्ण ने देखा कि इसके कारण से इसके माता पिता भी मर चुके हैं तो यह किसी दिन मुझे भी मार देगा, अतः पाप के बीच में रहना में कल्याण नहीं है, तो गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़े। और जब अकेला भाई यहाँ वहाँ चोरी करता और वैश्याओं को देता, और वैश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा और अगर किसी दिन चोरी में पकड़ा गया तो इससे जब पूछेंगे कि तू यह धन कहां ले जाता है तो यह हमारा भी नाम बतलाएगा और हमें भी राजा प्राण दंड दे देगा, तो ऐसा होने पर हम मर जाएंगे। अतः उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे मारकर ही जंजाल खत्म करें। और उसके गले में उसे शराब पिलाकर नशे में डालकर उसके गले में फांसी का फंदा डाला गया और उसे लटका दिया गया। परंतु धुंधकारी मरता ही नहीं। तो शास्त्रों में लिखा है कि पाप आसानी से नहीं मरता। एक संत को आप छोटा सा पत्थर मार दो और दोष लग जाता है कि वो मर जाता है, परंतु सांप कभी एक लठ में नहीं मरता, बिच्छू को मारो अनेक बार माप, तो पाप कभी आसानी से नहीं मरता। तो धुंधकारी भी नहीं मरा फांसी से लटकाने पर, तो उसे लाकर उसके मुख में पत्थर को कुचला गया, फिर भी उसके प्राण नहीं निकले क्योंकि पाप आसानी से नहीं मरता। फिर उस पर आग डालकर उसके मुख को जला दिया गया और जलाने के बाद जब बड़े मुश्किल से उसके प्राण निकले तो वैश्याओं ने अपने घर के नीचे ही तलघर में उसे दबा दिया। अब गांव के लोग पूछते कि बहुत दिन से धुंधकारी नहीं दिख रहा, कहां गया है, तो वह कहते कि उसका धन आदि खत्म हो गया था, वह व्यापार करने के लिए शहर की ओर गया है। और यह परम सत्य है कि वैश्या कभी किसी की सगी नहीं होती, किसी की हितेशी नहीं होती। वह वैश्या जो रहती है वह किसी का कल्याण नहीं करती, वह पहले तो व्यक्ति का धन हरण करती हैं और जब धन हरण हो जाता है तो वह प्राण को हरण कर लेती हैं। और उनकी जीवा में से तो अमृत बरसता है, बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, परंतु पेट में तो वह विष को बसाए हुए है। गोकर्ण को जब इस बात का पता चला कि उसका भाई शायद मर गया है तो वह सभी तीर्थों में जाके उसके लिए श्राद्ध किया। और कुछ दिनों के बाद जब वह अपने पिता के घर को देखने आता है कि अपनी जन्मभूमि के आज दर्शन करूं, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, की जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। आज पुराने मकान को खोला गया, साफ सफाई की गई। रात को गोकर्ण ने जब भगवान के ध्यान में लीन था तो नाना प्रकार की आवाज उसे सुनाई देती है परंतु कुछ दिखाई नहीं देता। और
गोकर्ण से रात को उसने पूछा कि ये कौन हो, तुम कौन चिल्ला रहे हो, परंतु कोई आवाज नहीं। तब उसने हाथ में जल लिया और मंत्रोच्चार करके उस पर छिड़का, तो उसी समय एक काले कलर का प्रेत वहां पर बैठा दिखाई दिया और उसमें शक्ति नहीं थी, वह शक्ति मंत्र से प्राप्त हुई। तब उसने बतलाया कि मैं कोई और नहीं, तेरा भाई धुंधकारी हूँ। तो गोकर्ण ने पूछा कि तेरी यह गति कैसे हुई, तो उसने सारा वृत्तांत बतला दिया। आज वह रो रो कर चिल्ला रहा है। तो मनुष्य जब पाप करता है तो बहुत हंसता है। जब हम पाप करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी का अनर्थ करते हैं, तो बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब पाप का दंड सुनाया जाता है, जब भोगते हैं, तो उस समय हम रोते हैं। अरे जिस समय पाप करते समय हंसा था, तो दंड भोगते समय भी हंसो। तो आज परंतु धुंधकारी रो रहा है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर भी गोकर्ण देवता बनता है और एक महापापी बनता है, क्योंकि देवता होना या प्रेत होना आपके स्वभाव पर निर्भर है, यह आपके हाथ में है, आप ही देवता बन सकते हैं। जैसे एक मिट्टी को कुम्हार उसे चाहे तो भगवती बना दे, कृष्ण बना दे, या उसी को चाहे रावण बना दे, तो यह आप ही के हाथों में है कि आपको देवता बनना है या राक्षस। तो गोकर्ण ने पूछा कि भाई तू कौन है, बता तो तेरी यह दशा कैसे हुई, तो तू भूत है या पिशाच है या कोई और राक्षस। तो प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। और गोकर्ण ने कहा कि मैंने तेरे लिए अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारापति गेता सप्तेता मोक्षदायका कि सभी तीर्थों में सेतु बंद रामेश्वरम जैसी जगह में भी मैंने तेरे लिए पिंड दान किया, तेरे लिए तर्पण किया, दान किया, फिर क्या बात है कि तू प्रेत से मुक्ति नहीं हुआ। तो गोकर्ण ने कहा गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, चाहे लाख गया जी में श्राद्ध कर लो, परंतु मेरे पाप ऐसे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं दिला सकते, अरे मेरे लिए कोई और उपाय करो। तो गोकर्ण ने कहा कि भला मैं क्या उपाय करूं। तो प्रेत ने कहा कि इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे उपाय बतलाओ। तो मैं उसने कहा कि मैं सुबह ही सूर्य नारायण से पूछूंगा। और सुबह उठकर उसने सूर्य नारायण को अर्घ दिया। आदि देव नमस्तुभ्यम देव देवम जगत प्रभुम जपा कुसुम शंकासम काशपेयम महाधुतिम तमो हरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अश्य दिवाकरम। कि हे सूर्य नारायण, मेरे भाई का उद्धार का उपाय बतलाइए। तो सूर्य नारायण ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए, जिससे इनका उद्धार होगा। और इसके बाद गोकर्ण जी ने उसे साथ में लाया, एक सात गांठ के बांस में अपने भाई की मुक्ति के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी वहां आया परंतु बैठ ही नहीं पा रहा। बैठे कहां, वह तो एक हवा है, हवा तो थोड़ी सी हवा चली तो उड़कर यहां उड़कर वहां। तो उसे स्थिर करने के लिए एक पोला बांस लाया जाता है। तो धुंधकारी उस बांस की गांठ के नीचे जाकर बैठ जाता है। और जैसे ही कथा का पहला दिन होता है, उसके वैकुंठ का एक द्वार खुलता है, वह गांठ चटकती है, वह ऊपर की ओर जाता है। धीरे धीरे सात दिन हो गए और सातवीं गांठ में जोर की आवाज आई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, चतुर्भुजधारी भगवान के दूत आज लेने स्वयं धुंधकारी को आ रहे हैं। और सभी ने भगवान की स्तुति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, वसंतम हृदय अरविंद श्री भागवत कथा को सुनकर बैकुंठ में पहुंच गया और
बांस क्या होता है? बांस का अर्थ होता है वासना। हमारा शरीर भी एक बांस के समान है, अर्थात वासना का घर है। इसमें भी सात गांठ है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश और मत्सर। ये सात गांठ हमारे शरीर से अगर टूट जाएं तो हमें भी वैकुंठ से विमान लेने आएगा, परंतु हम ये गांठ को नहीं तोड़ पाते, हम काम को नहीं दूर कर पाते, क्रोध को दूर नहीं कर पाते। तो इस शरीर रूपी बांस अर्थात वासना की अगर ये सात गांठ टूट जाएं तो आज भी हम पर तो द्वंद्वकारी को लेने जब विमान आया तो सभी गाँव वासियों ने पूछा, तो गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, भगवान के जो पार्षद हैं चतुर्भुजधारी की कथा तो हमने भी कही और कथा तो आपने भी सुनी, तो फिर विमान लेने इन सबको क्यों नहीं आया? केवल द्वंद्वकारी अकेले ने ऐसा कौन सा पुण्य किया? तो पार्षदों ने कहा कि जो दुखी होता है वह भगवान के सबसे समीप होता है। आप जब कथा में बैठे तो आपका मन कि अभी घर में बत्ती जलाने का टाइम हो गया, अरे कोई गैया तो बांध दो, अरे वो फलाने को चाहे, तो आपका मन कथा में था, पर तन तो कथा में था पर मन संसारिक माया में था। परंतु जो आर्त होता है, जो दुखी होता है, उसका उद्देश्य एक ही जगह होता है। जैसे बीमार सोचता है कि किसी भी तरह से मैं ठीक हो जाऊं, दुनिया की दौलत मुझे नहीं चाहिए, तो द्वंद्वकारी बीमार था, उसे कष्ट था, तो उस समय उसने सच्चे मन से कथा सुनी और सच्चे मन से कथा सुनने के कारण से उसे वैकुंठ से विमान लेने आया और सभी को बड़ा दुख हुआ कि हमने सात दिन तक समय गुजारा पर सच्चे मन से कथा नहीं सुनी। तो इसके बाद उन्होंने गोकर्ण जी से फिर निवेदन किया कि हे प्रभु, आप भी वह कथा का आयोजन कीजिए, हम फिर से यह कथा सुनेंगे। तो इसके बाद गोकर्ण जी ने जब श्रावण का महीना आया तो श्रावण मास में दूसरी बार कथा का आयोजन किया और सबका उद्धार हुआ। पूरे गांव वासी वैकुंठ लोक को गए। इतना बतलाने के बाद सनत कुमार जी ने नारद जी को भागवत सप्ताह का विधान बतलाया और श्रीमद कथा से जब श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा था, द्वापर के समाप्ति के 6 महीने पहले श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर त्यागा, बाण लगने से वह गोलोक धाम को गए। तो उनके शरीर त्यागने के 1900 वर्ष बाद भादो महीने की 9वीं के दिन सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को सुनाया था और राजा परीक्षित को, और सुखदेव जी महाराज के 200 वर्ष बाद यही कथा गोकर्ण जी ने भागवत की सुनाई। और इस प्रकार हम आज यह महात्म्य को पूर्ण करते हैं। आज समय थोड़ा सा कथा विलंब से शुरू हुई, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, कल से समय में नियत में शुरू होगी। तो आइए हम भगवान की एक छोटे से भजन के बाद आरती की तैयारी करें। दुर्गा जगत जननी जन जन जगजननी जो हमारे सामने विराजमान है, उसके भजन के साथ, क्योंकि उसी की कृपा से मुझे जब मैं पहली बार इस गांव में आया तो उस मंदिर में गया, और जिस गांव में अगर मैं भगवती के मंदिर में जाता हूं तो उनकी ऐसी कुछ कृपा होती है कि कभी ना कभी मुझे किसी न किसी रूप में जोड़ती है। तो इन महात्माओं के रूप में उन्होंने मुझे जोड़ा और आज मैंने इनके साथ जो चारों धाम किया उसका पुण्य मुझे यहाँ अवसर प्राप्त हुआ कि मुझसे भी कहीं ज्यादा विद्वान आप लोग हैं, परंतु भगवती ने मुझे वह पुण्य प्रदान किया कि यह कथा सुनाने के लिए। मैं क्या कथा कहूंगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के तो अनंत अवतार है। मैं तो भगवान की बांसुरी के समान हूँ, जैसी कन्हैया फूंक मारेगा वैसी कथा मेरे हृदय से निकलेगी। तो कन्हैया ने जैसे मेरे मुख में फूंक मारी, बांसुरी को फूंक मारी, वैसी कथा मैंने आपको सुनाया। तो आइए उस भगवती का धन्यवाद करते हुए हम आरती की तैयारी करें। मुंबई में अंबा है, कलकत्ता में काली, सबसे पहले सुमिरू उसको जिसने मुझे है पाली। बोलो खैर माई मैया की, सभी देवी देवताओं की, जिसने मुझे पाला उन माताओं की। धीरे खेलो भवानी माँ की अखियों रतन जड़े, धीरे खेलो भवानी माँ के अखियों में रतन जड़े। सभी ताली बजा कर माता का धीरे खेलो भवानी माँ धीरे खेलो भवानी माँ।
विधवा मैं कैसे करूं। अरे मैं तो तेरी लाख तपस्या करने के बाद भी जब देवता प्रसन्न नहीं हुए, परंतु तेरी मुझ पर इतनी कृपा है कि मेरे द्वार में ही तू विराजमान है, तो मैं कैसे तुझे मनाऊंगा। जोड़ा जोड़ा निबुआ तोहे चढ़ाओ, भाई।
चढ़ाए, सब चीज चढ़ाए, परंतु माता क्यों प्रसन्न नहीं हुई? कपूर भी जला दिया, क्योंकि माता तो भक्त वत्सली है। वत्सल का अर्थात होता है बछड़ा। बछड़ा जैसे माँ के लिए दौड़ता है, अगर वैसे ही भाव अपने भक्त के लिए भगवान के पास होते हैं, जैसे माँ अपने बछड़े के लिए दौड़ती है, ऐसे हमारी माता है कि कैसे मैं अपने पुत्र के पास जाऊं, तो कैसे माता मानी। द्वारे तुम्हारे मैया सुरे जैसे गाओ, द्वारे तुम्हारे मैया सुरे जैसे है तो कैसे मानी। भजन गा के माँ को मनाओ मैया, गा के माँ को मनाऊंगी माँ की सीओ मेरा तन अर्थात मेरे समान कोई दुखी नहीं है और दुख को हरने वाले आपके समान कोई नहीं है। तो भगवान की आरती करने से उतने जितने बार हम उतारते हैं उतने जन्मों के दुख दूर होते हैं। भगवान तो कोटि सूर्य है करो